ना विली हो गया कि अब तो मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ किसी को भी ठीक कर सकती हूँ ऐसे। क्या बात है। वो जब थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चला कि उनको तो अब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। तो मैंने केवल उसके दिमाग को खोलकर उसमें अपने हिसाब से एनर्जी हीलिंग दे दी। शी से दीदी वो इतनी खुश है कि क्रेच वाली भी कह रही कि 4 दिन से लड़की बहुत ज्यादा खुश है। दूसरा मैं पथरी का भी ऑपरेशन की हूँ, साइकिक सर्जरी की हूँ, 4 mm का था तो वो भी उसके ठीक हो गई। हार्ट ब्लॉकेज का भी की, वो भी ठीक हुई है। और नॉन दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि द अवेकनिंग के माध्यम से हम आपके सदियों पुराने अंधविश्वास, भ्रम और पाखंड से मुक्त करते हैं और आपकी अपनी ही शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और परामानसिक क्षमताओं से आपका परिचय करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो शक्तियों से मानव सदियों से अनजान है और जिन सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर सदियों से रहस्य का पर्दा पड़ गया है और उसके ऊपर इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है कि आज तक वो सामान्य आदमी तक वो ये विद्याएं पहुंच नहीं पा रही है, तो उसी में आज मैं एक नया विषय आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो बड़ा यूनिक सा विषय है और आपको शायद सुनकर के यकीन भी नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये है साइकिक सर्जरी। हाँ दोस्तों, साइकिक लेवल पर बिल्कुल सर्जरी की तरह इसमें हम काम करते हैं और हमारे सारे विद्यार्थी भी काम करते हैं, और इतना अनोखा उसका परिणाम आता है, इतना अद्भुत उसका रिजल्ट मिलता है, तो हम भी कई बार चौंक जाते हैं, हमें भी यकीन नहीं होता। बल्कि अब तो खैर यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस क्षेत्र में सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए यकीन तो अब हमारे लिए मामूली सी बात हो गई है। लेकिन आदमी की सबसे बड़ी क्षमता जो है वो है कि साइकिक लेवल पर वो कहीं भी किसी से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करके उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर उसकी जो ऐसी कोई समस्या है जिसको कोई रिपेयर वर्क करना है या उसमें कोई परिवर्तन लाना है या उसमें कुछ निकालना है या उसमें कुछ डालना है तो या उसमें कुछ परिवर्तन करना है, ये सब चीजें साइकिक लेवल पर रेकी के अंदर की जा सकती है। हालांकि ये रेकी प्रथम डिग्री का विषय नहीं है। पहली बात तो जब आप प्रथम डिग्री रेकी सीखते हैं तो आप पहले ऊर्जा और सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान के संपर्क में आते हैं, आपको ऊर्जा का विज्ञान समझ में आने लगता है। जब आप सेकेंड डिग्री में आते हैं तो फिर इस तरंगों के विज्ञान को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और आप टेलीपैथी, पावर ऑफ इंटेंशन, इंट्यूशन, ये सारे वर्ड आप लोग जो है जब सीखने लगते हैं और तरंगों के विज्ञान का जो नियम है, यानी कि जो ब्रह्मांड का नियम है जिसको हम आज की भाषा में हम उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, तो वो जब आप जानने की कोशिश करते हैं तब फिर आपको नियम क्लियर होते ही ये साइकिक सर्जरी या ये डिस्टेंस हीलिंग या ये टेलीपैथी आपको कोई आश्चर्यजनक नहीं लगेगी, क्योंकि ये विद्याओं की हमें हमारे कहीं भी एजुकेशन में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके कारण हम एक इसको अविश्वसनीय दृष्टि से देखते हैं कि सचमुच ऐसा होता है भी कि नहीं होता है। लेकिन आज तो खैर हजारों लोगों ने प्रयोग कर लिया है, आप भी कल सीखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं साइकिक सर्जरी का। तो साइकिक सर्जरी के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमने दिए हुए हैं, हमारे पास तो हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं। हम तो क्योंकि हम ये वीडियो कितना भरें हम भी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर भी हम 4-5-6 अनुभव जितने थोड़ा सा इसके साथ जोड़ सकते हैं एक वीडियो की एक क्या कहते हैं छोटा सा वीडियो रखने के लिए, उस हिसाब से हमने कुछ टेस्टिमोनियल जोड़े हुए हैं। आप उन लोगों को सुनिएगा, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे विषय विद्यार्थी हमारे काम कर रहे हैं और ये काम आप भी कर सकते हैं। हाँ संतोष जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए क्या क्या आपने साइकिक सर्जरी में। जी बड़ी कृपा है गुरु जी आपकी, मैंने घुटने की साइकिक सर्जरी करी थी। किसकी? मेरे मतलब समधी है। हाँ। उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था और कोरोना टाइम था,
और मतलब करीब करीब हफ्ते भर के बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बहुत आराम है, मैं चलने लग गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि ये चल नहीं पाएगा, इसमें रॉड डालनी पड़ेगी। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। 20 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने तो सारी दवाइयां छोड़ दी और मैं तो अब मार्केट वार्केट आराम से जाता हूँ। मैंने बताइए क्या आपने क्या क्या बताइए। उनका भतीजे है, 10 दिन का बच्चे है, उनका यूरिन पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन करने ले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला तो आप क्या चाहते हैं, नहीं हम तो आपका याद आया फिर इसलिए वा, चलो आप सुबह 6 बजे तक उसको पोस्टपोन कर लेना। फिर मैंने उनका कंटिन्यूसली इनका रिकी हीलिंग एंड एक साइकिक सर्जरी किया था। हाँ जी। और उनको मैंने बोला 6 बजे, लेकिन मुझे पता था 4 बजे 5 बजे में सही हो जाएगा। हाँ। और एग्जैक्ट 5 बजे के वो सही हो गया। हाँ। लेकिन उनका मल्टीपल प्रॉब्लम था। हाँ। तो क्योंकि जैसा आपने जानते हैं पंचतत्वों में जैसा यूरिन रिलेटेड बहुत था, उसके बाद ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे थे, उसके बाद फिट आ गया था, फिर उन्होंने बीमारी उन्हें फीवर के बारे में बताया नहीं था, लेकिन हम लोगों को पता हो गया। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में वो खुद ही सीखने आया और वहां शेयर कर रहे थे, डॉक्टर लोग बोल रहे थे ये कैसे डाइंग चाइल्ड कैन रिवाइव, वी हैव टू डू सम रिसर्च। सर कैसे? हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। तो कोई एक्सकलेटर पे जा रही थी उनकी सिस्टर इन लॉ, तो बड़े मिस्टेक शायद किसी डेली ने पुश किया या क्या हुआ पता नहीं, वो एक्सकलेटर से गिर गई और उनके लेग में बहुत डीप कट आया था, बहुत डीप। और प्लस उनके 3 क्रैक्स थे, थोड़ा सा हीलिंग भी करा और बोन की सर्जरी करी थी, तो अभी डॉक्टर ने उनको लटका रखा है। अभी उनकी सर्जरी जो डॉक्टर ने बोली अभी तक हुई नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं शायद इसकी जरूरत ना पड़े। और जो कट था वो बिल्कुल ठीक हो गया, जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि 99% ये कट इन्फेक्टेड होता है, बट आई एम सरप्राइज कि आपका कट इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, केस तो मेरे में बहुत ठीक है और आपकी कृपा से एक ही सिटिंग में सारे केस मेरे सॉल्व हो रहे हैं। हाँ जी, तो मैं एक आध बताना चाहूंगी। एक लड़का है 14 साल का, तो उसको ब्रेन ट्यूमर बताया मोनिलेक जयपुर में, मोनिलेक हॉस्पिटल में, उसकी सर्जरी भी बताई। हाँ जी। उसको ब्रेन के स्ट्रोक भी आते थे और पेनफुल, बहुत पेनफुल था। हाँ। तो वो मेरे पास लेके आए और मैंने उसका किया, तो उसका पता नहीं ब्रेन एकदम ठीक हो गया। अच्छा। अब उसके 80% मार्क्स आए, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो गया। अब मेरे को नहीं पता था वो इतना ठीक हो गया, लेकिन वो परसों मेरे पास आया तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये तो एकदम ठीक हो गया। हमारी पूरी फैमिली बोलते कि ये लड़का ठीक कैसे हुआ। अच्छा अच्छा, क्या बात है। एक भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई पेन नहीं है, माइंड में इंटेलिजेंट हो गया। अभी तो गुरुजी आपको वो वीडियो भी भेजे थे मैंने, जो जो की रेवा छत्तीसगढ़ की वो लड़की है जो ट्वेल्थ में है, तो उसके ना सर्वाइकल स्पाइन में कुछ जैसे ट्यूमर हो गया था उसका ना, उसको तो वो ऑपरेट करके एलोपैथी में ऑपरेट कर दिए थे, लेकिन उसके वजह से वो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड उसका जब पैरालाइज हो गया था पूरा, 6 महीने तक वो बेड पे ही ऐसे था। लेकिन तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़की क्या ठीक हो सकती है रेकी में, तो मैंने उनको साइकिक सर्जरी की। हाँ। तो 3 बार साइकिक सर्जरी की और 21 डेज हीलिंग दिया, तो वो अभी जो कि उसका पैरालिसिस, वो बोल नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी, बस देख सकती थी, अभी वो चल रही है गुरुजी, चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके चल रही है। क्या बात है। और अब वो अभी बैठ के लैपटॉप में पढ़ाई भी कर रही है, वो कॉमर्स पढ़ रही है, वो पढ़ाई भी कर रही है, उसके मम्मी इतनी खुश है। तो उसका वीडियो भी मैंने आपको भेजा था, शायद आप देखे होंगे ना। विली हो गया कि अब तो मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी ठीक कर सकती हूँ। ऐसे लॉकडाउन के दौरान की बात है, एक ग्वालियर से एक काजल है जो वो भी रेकी सीखती है, और उनका मेरे पास फोन आया रात को 9 बजे, कहती है मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द है, आप उसको डिस्टेंस हीलिंग कर दोगे? मैंने कहा कर दूंगी। रात को मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया, उनको नींद आ गई। सुबह मैंने पूछा उनको प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते उनको अपेंडिसाइटिस है, तो वो दर्द उठा था उनको। तो लॉकडाउन के दौरान थे, हॉस्पिटल वगैरह में भी नहीं जाते थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं साइकिक सर्जरी करती हूँ। मैंने उनकी 2 बार साइकिक सर्जरी करके और 1 वीक तक हीलिंग दी उनको। और उनको फिर पता ही नहीं चला, दर्द हुआ ही नहीं दोबारा। वो जब थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चला कि उनको तो अब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। ये थोड़ी अच्छी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि चलो ऐसे भी ठीक हो सकते हैं।
प्रणाम। मैंने कल भी अपना एक एक्सपीरियंस बताया था डाउजिंग के बारे में, तो डेफिनेटली सीखना ही चाहिए सबको। और मेरी भाभी है जिनकी बेटी है 2 साल की, न्यूजीलैंड में रहती है वो, उनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, बेटी को 2 साल की है वो बेटी, और उसको बचपन मतलब जब जन्म से उसको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्लो ग्रोथ है। तो मैंने केवल उसके दिमाग को खोलकर उसमें अपने हिसाब से एनर्जी हीलिंग दे दी, अपने हिसाब से दिमाग को, मुझे नहीं पता मैंने क्या ठीक करा है, बट मैंने कुछ करा है। एंड फिर मैंने भाभी का फीडबैक लिया 4 दिन के अंदर, शी से दीदी वो इतनी खुश है कि क्रेच वाली भी कह रही कि 4 दिन से लड़की बहुत ज्यादा खुश है, और क्योंकि उसको नहीं आता है बच्चे को कि क्या हो रहा है, कोई बोलता है तो सुनती नहीं है, रिएक्शंस नहीं है, तो वो कह रही भाभी इतनी दीदी इतनी खुश हो रही है मेरी बेटी, आप प्लीज इसको कंटिन्यू करो, मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ही ये मेरी बेटी ठीक हो। तो इट इज लाइक सच अ वंडरफुल थिंग यू वांट टू बिलीव। अभी जब साइकिक सर्जरी का एग्जांपल दे रहे थे, मेरे घुटने में दर्द हो रही है, तो मैंने अभी खड़े खड़े ही वो सब कर दिया, और लगे मेरा घुटना ठीक है, मैं आराम से बैठ के अपनी क्लास अटेंड कर रही हूँ। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो साइकिक सर्जरी से बहुत कुछ की हूँ। किसी के एक लड़की आती थी, हो गया 10 साल 15 साल लगभग, उसके पेट में बहुत दर्द रहता था, दिल्ली में वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई, तो उसके पेट दर्द में आराम नहीं हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने, वो बोली उसको रेकी का बोर्ड दिखा मेरा, तो आई बोली कि रेकी क्या होता है, जानकारी ली मैं उसको बताई, चाउमीन मैगी यही बच्चे खाते ही थे, तो वो मैं बोली कि अच्छा साइकिक सर्जरी होती है, एक बार करके देख लो, उसके बाद अगर ठीक नहीं हो तो तुम करवाना। तो उसकी साइकिक सर्जरी की, हफ्ते में एक दिन सर्जरी करती थी, और इस तरह से 1 महीने उसकी रेकी की, तो 3 सर्जरी में उसको खुद, जब मैं सर्जरी करती थी तो उसको चाउमीन और बर्गर दिखाई देता था कि कुछ निकल रहा है, लंबे लंबे लच्छे की तरह चाउमीन दिख रहा था, कभी कुछ दिख रहा था, और 3 सर्जरी में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, और इस तरह से फिर दूसरा मैं पथरी का भी ऑपरेशन की हूँ, साइकिक सर्जरी की हूँ, 4 mm का था, तो वो भी उसकी ठीक हो गई, हार्ट ब्लॉकेज का भी की, वो भी ठीक हुई है। सर प्रणाम सर। हाँ रूपाली, हाँ रूपाली बताओ। सर पिछले महीने में मैंने आपको कॉल किया था, मेरी इक्टोपियन प्रेगनेंसी थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तेरा अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 1000 वैल्यू थी जो मेरा बीटा एसजीसी की वैल्यू 1000 थी, तो उस डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करना था, और मैं बहुत डर गई थी, और मैंने 3rd level सीखी थी, लेकिन वो सर्जरी वो कभी ट्राई नहीं किया मैंने। तो मैंने आपको, मैं हर एक डॉक्टर के पास गई, सभी डॉक्टर ने मुझे वही बोला कि तेरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और मुझे ऑपरेशन करना ही नहीं था, क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट ही प्रेगनेंसी थी वो। तो मैंने सारे डॉक्टर के पास गई, जो भी डॉक्टर ने मुझे बताया, सबने बताया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कॉल किया, तो आपने मुझे बताया कि रूपाली तू इंजेक्शन भी मत लेना और ऑपरेशन भी मत करना, मैं बताता हूँ वैसे करना। तो मैंने सर्जरी की, जैसे आपने बताया था मैंने सर्जरी की, और मेरा सब कुछ और हील हो गया। मैंने इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, ऑपरेशन भी नहीं किया, और दवाई भी नहीं ली, और अपने आप मेरा हील हो गया, अब मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें पता कैसे चले, तुम्हारा पता कैसे चलेगा कि वो नॉर्मल हो गया, तुमने कोई रिपोर्ट करवाई या कैसे पता चला? नहीं, वो मेरा ब्लीडिंग हो रहा था ना, तो उससे वो सब निकल गया, और वो सोनोग्राफी और जो ब्लड टेस्ट था उससे वो वैल्यू कम होता गया। पहले 1000 वैल्यू था, उसके बाद 2 दिन में मेरा वैल्यू 417 पे आया। अरे बाप रे, 417 से, हाँ 417 2 दिन में आया। तो डॉक्टर ने बोला तेरे ऑपरेशन अभी कैंसिल करते हैं, अभी हम इंजेक्शन देते हैं। लेकिन मैं खुश हुई इंजेक्शन देते तो, लेकिन वो इंजेक्शन मुझे जो कैंसर पेशेंट को देते हैं ना, वो देने वाले थे। और मेरा वो ट्यूब जो थी वो पूरा काम नहीं करने वाली थी फिर बाद में, तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर सर्जरी से मेरा ठीक हुआ, फिर 1 हफ्ता के बाद वापस मैंने किया, तो 28 पे मेरा वैल्यू आया। डॉक्टर ने बोला अभी जो तेरा पीरियड आएगा ना, तो पीरियड में सब वो धोके चला जाएगा, और अभी मुझे पीरियड भी आया, और सब वो सब अब मैं ठीक हूँ।
अरे वाह वाह, वाकई में तुमने तो वाकई में रूपाली मिराकल कर दिया, सच बता रहा हूँ।